फिलोसफी के एक प्रोफेसर ने कुछ सीढ़ियों के साथ क्लास में प्रवेश किया। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशे का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे। फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या ये जार भर गया है, और सभी ने कहा हाँ। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्हें जार में भरने लगे। जार को थोड़ा हिलाने पर ये कंकड़ पत्थरों के बीच सेटल हो गया। एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने हाँ में उत्तर दिया। तभी प्रोफेसर ने एक सैंड बॉक्स निकाला और उसमें भरी रेत को जार में डालने लगे। रेत ने बची खुची जगह भी भर दी। और एक बार फिर उन्होंने पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने एक साथ उत्तर दिया हाँ। फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, मैं कहता हूँ कि आप इस बात को समझे कि ये जार आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन की ज़रूरी चीज़ें हैं, आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपके हेल्थ, आपके बच्चे, ऐसी चीज़ें के अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें खो भी जाए और सिर्फ ये रहे तो भी आपकी ज़िंदगी पूर्ण रहेगी। ये कंकड़ कुछ अन्य चीज़ें हैं जो मैटर करती है, जैसे कि आपकी जाप, आपका घर इत्यादि। और ये रेत बाकी सभी छोटी मोटी चीज़ें को दर्शाती है। अगर आप चार को पहले रेत से भर देंगे तो कंकड़ों और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही आपकी लाइफ के साथ होता है। अगर आप अपने सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीज़ों में लगा देंगे तो आपके पास कभी उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपकी हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। बच्चों के साथ खेलिए, अपने पार्टनर के साथ डांस कीजिए, काम पर जाने के लिए, घर साफ करने के लिए, पार्टी देने के लिए हमेशा वक्त होगा। पर पहले पत्थरों पर ध्यान दीजिए, ऐसी चीज़ों जो सचमुच मैटर करती है। अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए, बाकी चीज बस रहते हैं। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।